एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है कि तेन जो कि होश में नहीं होता है और फोई उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसे तुरंत वहाँ एडमिट किया जाता है। दूसरे ओर ब्यूटी सियार से कहती है, सॉरी मेरे कारण ही ऐसा हुआ। ऐसे वो खुद को दोष देते हुए रोने लगी और सियार उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। इधर फोई रोते हुए बैठा होता है और पात उसे संभाल रहे होते है। सियार ब्यूटी से पूछती है, ब्यूटी तुमने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? ब्यूटी पूछती है, लेकिन क्यों? सर कहती है, इस ओके मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें उन्हें इस बारे में बताना होगा। ब्यूटी कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ या नहीं। सर कहती है, क्या तुम अपने फादर को एक चांस दे सकते हो? तभी ब्यूटी उसे इन्फॉर्म करने के लिए हाँ कह देती है। ब्यूटी की माँ ब्यूटी से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत चिंतित था, चलो घर चलते हैं। लेकिन ब्यूटी अपने फादर से पूछती है, क्यों आपको हमें धोखा क्यों देना पड़ा? जब आप ऐसा कुछ कर रहे थे, क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा है? माँ वो तुम्हें धोखा दे रहा है दूसरे आदमी के साथ। तभी उसकी माँ कहती है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ब्यूटी कहती है, कुछ तो बोलो पापा, हमें बताए कि यह सच नहीं है, बोलो पापा। तभी उसकी माँ उसे कहती है, मुझे सब कुछ पता है, यदि तुम अभी इस बारे में बात करना चाहते हो तो मुझे तुम्हें यह बताने की ज़रूरत है कि मैं इस बारे में लंबे समय से जानता हूँ। तुम्हारे फादर ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, तुम्हारे पापा और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ब्यूटी हमने इसे तुमसे सीक्रेट रखने का कभी इरादा नहीं किया। तभी उसके फादर उसे कहता है, सॉरी स्वीटहार्ट, मैं गे हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन यही सच है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्यार करते हैं, यह सच है। तभी ब्यूटी मान जाती है। पात फोई से कहता है, मैं खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? फोई कहता है, नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। उसके जाने के फोई रोते हुए तेन से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुरंत उठो, मैं तुमसे लड़ना जारी रखना चाहता हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? तभी तेन उसमें आता है और फोई उसे कहता है, तेन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो तेन फोई से कहता है, क्या तुम मेरे कारण चिंतित हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो फोई कहता है, ऐसी सिचुएशन में सभी चिंतित हो गए। तेन कहता है, अगर हम फिल्म में होते तो तुम इस सिचुएशन में मेरे प्यार कबूल कर सके होते। यह सुनकर फोई उसे बाई कहकर जाने लगता है, लेकिन उठकर टेन उसे रोक लेता है। तो फोई कहता है, क्या कर रहे हो? क्या इस बार तुम मरना चाहते हो? रिलैक्स करो, ऐसे कहते हुए उसे फिर से लेटा देता है, लेकिन वो बैठ जाता है। और फोई अभी भी उसके लिए चिंतित और दुखी थे, लेकिन उससे छुपाने चाहता था, इसलिए टेन उसे कहता है, आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। फोई पूछता है, क्या मतलब? तेन कहता है, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो फोई कहता है, तेन यह सही समय नहीं है। तभी तेन हार्ट मॉनिटर के जरिए चेक करके उसे कहता है, तुम्हारे होठों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोल सकता। फोई कहता है, मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे के ओर देख रहे होते है और क्रिस कहने वाले थे। तभी एक नर्स अंदर आती है, ऐसे कहकर कि क्या पेशेंट जग रहा है, और ऐसे उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वो मशीन खेलने के लिए नहीं है, फिर अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। ऐसे कहते हुए वो चले जाती है। पात और शेयर साथ डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग अपने मिशन के बारे में बात करते हैं और हमेशा की तरह पात शेयर को एक सांस देने के लिए कहते हैं। फा टाइपिंग कर रही होती है, तभी जिम उसके पास आते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बात को इग्नोर कर देती है। तो जिम कहता है, हर बार मैं थक जाता हूँ, चाहे वो काम से हो या किसी और से, लेकिन जब मैं घर पर होता हूँ और तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। क्या तुम कल बाहर जाना चाहते हो, कोई कैफे या कोई रेस्टोरेंट में? लेकिन फा कहती है, मैं कल फ्री नहीं हूँ,
मैं देर से घर आऊंगा। तभी सिम कहता है तो मैं तुम्हें पिकअप करूंगा, लेकिन वो उसे मना करते हुए किस करते हैं और सो जाती है। पिंग फा को एक लड़के के साथ जाते हुए देखता है। फोय और टेन एक दूसरे के आंखों में घूर रहे होते हैं। एक्चुअली वो लोग गेम खेल रहे थे। फोय कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो टेन कहता है अरे क्या तुम इतनी आसानी से हार क्यों मान ली? इससे पहले कि हम एक कपल हो, हम एक दूसरे के खिलाफ रह चुके हैं। फोय कहता है लेकिन यह घूरने की कंपटीशन मुझसे नहीं होगा जो तुम लड़कियों के साथ करते थे, है ना? टेन कहता है क्या कह रहे हो? फोय कहता है क्या तुम्हें कभी इस खेल से एक मिला है? ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराते हैं। तो टेन कहता है तुम किस पर हंस रहे हो, तुम बताओ तुम्हें कितना मिला? तो फोय सर कहता है। टेन कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो भी पिंग अंदर आती है और फा के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग फा को पहचान भी नहीं पाए। तो पिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पिंग फा के बारे में बात से कहती है कि मुझे लगता है फा किसी को डेट कर रही है। बात कहता है वो मेल फ्रेंड भी हो सकता है, जिम को मत बताओ बिना कुछ जाने। क्या मैं इसके बारे में फा से पूछूं? पिंग कहती है तो उससे ऐसे सवाल कैसे करोगे? बात कहता है हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए जिम से कुछ नहीं कह सकता। ऐसे बातचीत करने के बाद नेक्स्ट डे पिंग और शेयर साथ में फा को फॉलो करने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहां फा काम करती है, और वहां एक नर्स को उस डॉक्टर के बारे में पूछताछ करते हैं, और डॉक्टर का नाम डॉक्टर जू है। वो नर्स डॉक्टर जू और फा के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप है कहती है। पिंग वहाँ पेशेंट बनकर जाती है। वो दोनों चलाकी से उन लोगों के फोटो लेती है एविडेंस के लिए। पिंग डॉक्टर जू के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर जू कहता है गर्लफ्रेंड है तो पिंग फा के बारे में ही इंटरेक्ट कहते रहती है कि वो सुंदर है ना, और उसकी हेयर कलर ब्राउन सा है। पिंग ऐसे सवाल करते है और पिंग को उनके बातों से पता चल जाती है कि फा ही गर्लफ्रेंड है। तभी डॉक्टर जू उसके कमर पर जोर से प्रेशर देती है और वो दर्द से चिल्लाती है, और अपने कमर पकड़ते हुए शेयर के पास आकर कहती है वो किस तरह का हिंसक डॉक्टर है, उसने मुझे चोट पहुंचाया। फा उन दोनों से कहती है कि मैं और डॉक्टर जू सिर्फ क्लास में थे, बहुत दिनों के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। पिंग कहती है आपको गलत समझने के लिए हमें माफ कीजिए। फा कहती है इस ओके यह पहली बार नहीं है। पिंग कहती है फा ने मुझे बताया कि वो पॉपुलर थे, मुझे लगता है कि आपके साथ अक्सर ऐसा होता है। तभी शेयर भी उसे सॉरी कहती है। फा के जाने के बाद शेयर पिंग से कहती है जैसे हम उन्हें उसके साथ लंच करते देखा मुझे नहीं लगता वो क्लास में थे। वो जानती है कि जब वे साथ में खाना खा रहे थे तो हम उनकी जासूसी कर रहे थे, हमें उसे इस बारे में नहीं बताए फिर भी पता था। पिंग कहती है शायद उसने हमें तब देखा था जब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चार कहती है अगर उसने हमें देखा होता तो वो कुछ कहती, उसने हमें झूठ कहा। ऐसे कहकर शेयर उसके पास जाते हैं। तभी उसके सामने बात आते हैं। चार कहती है मुझे पता है कि वह और डॉक्टर जो डेट कर रहे हैं। एक्चुअली पिंग ने जो बात को इसके बारे में बताया था उसके बाद ही बात फा को कॉल करके सब कुछ बता देता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग उससे मिलकर उसके बारे में बात भी करते है। फा कहती है बात मैं वास्तव में नहीं जानता कब हमारे बीच झगड़ा हो गया। डॉक्टर जू बिल्कुल सही समय पर आए, तब मैं बहुत सैड थी। बात कहता है वे दोनों ऐसे जाने नहीं देंगे, वे ऐसे तब तक इन्वेस्टिगेट करेगी जब तक उन्हें कुछ नहीं मिल जाती। फा आपको उसके साथ ईमानदारी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फा कहती है लेकिन मैं जिससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ वो डॉक्टर जू नहीं है। बात कहता है यह आपके परिवार का मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन डिसीशन लेना पड़ेगा। फिर हमें दिखाई जाती है बात पहले फा को कॉल करके कह देता है कि वे दोनों आपकी तलाश में हॉस्पिटल जा सकते हैं।
मेरे बात ध्यान से सुनो, वही करो जो आप हमेशा करते हैं। यदि कुछ गलत हो जाता है तो मैं हूँ। पाठ पिंग और शहर से कहता है, मैंने तुमसे जो कहा वो सच है, मैं उसे कुछ समय के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ जब तक कि वो अपना मन नहीं बना लेती। तो इस पर क्या तुम दोनों पीछे हट सकते हो? मैं भीख मांग रहा हूँ। पिंग कहती है, पाठ तुमने ऐसा क्यों किया? पाठ कहता है, सॉरी पिंग, लेकिन जिम मेरे लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जानने से पहले इसे खत्म कर दूँ। शेर कहती है, क्या होगा अगर वह डालता रहे तो तुम क्या करोगे? पाठ कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, वह को आज के अंत तक अपना मन बना लेना है, कुछ भी जल्दबाजी मत करो। शेर कहती है, क्या मैं तुमसे मेरे लिए एक काम करने के लिए कह सकता हूँ? इस समय से मैं चाहता हूँ कि यह आपकी आखिरी बाजीगरी हो। पिंग शेर से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फा ऐसा कुछ करेगी, मुझे जिम पर दया आती है। शेर कहती है, शायद फा ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। फा डॉक्टर जोश से बात करके ब्रेकअप करने की फैसला करती है। तभी जिम पाठ को कॉल करके कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बस पता करना है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पाठ कहता है, क्या हुआ जिम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं? लेकिन जिम कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे। मुझे पता है कि इस काम में तुम स्किल्ड हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बात कहता है, प्लीज भाई मेरे बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। जिम कहता है, तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? मैंने खुद देखा कि तुमने फा और उस डॉक्टर की मदद की, या क्या तुम मुझे यह बताने जा रहे हो कि मैंने यह सब गलत समझ लिया? कुछ फेक फोटो दिखाकर उस समय की तरह जैसे मिस्टर रॉड की मदद की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे सब पता है, जिस दिन से फा बदल गया मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता था कि वो किसके साथ थी और वो क्या कर रही थी। क्या तुम जानते भी हो कि यह मेरे लिए कितना दर्दनाक है? उसे दूसरे आदमी के साथ मुस्कुराते हुए देखना, केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वो है खुद को दोष देना। मुझे लगा कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सका, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। मुझे विश्वास था कि वो उससे ज्यादा मुझे प्यार करती है, लेकिन मैं गलत हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी छुपाने की कोशिश की। मेरे लिए फा को बताओ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहकर वो कॉल काट देता है और वो सभी जिम को चारों ओर ढूंढने लगा। पाठ जिम को रोक पर ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ ही जिम इसे कूदने के लिए खड़े थे। बाद उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम उसे एक मौका मारते हुए कहता है, तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? बाद मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, सिर्फ तुम नहीं मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। ऐसे कहकर वो कूदने के लिए चला जाता है।